शासकीय उचित मूल्य के विक्रेता संघ के द्वारा जो है सीधी माँ कलेक्ट्रेट पहुँच के लामबंद हो के ज्ञापन सौंपा गया। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल माँ हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। बेहद बड़ी और बेहद अहम खबर लेके हाजिर है अपना पंचन के सेवा माँ, जो ने अपना पंचन को बताया दी कि शासकीय उचित मूल्य के दुकान के कोटेदारन के द्वारा लामबंद हो के आज सीधी कलेक्ट्रेट पहुँचागा और उनके द्वारा जो है पहले था जिंदाबाद किनारा लगावागा संघ के जिंदाबाद के फिर उसके बाद सीधी के प्रशासनिक अधिकारी का ज्ञापन सौंप के जो है यह पूरा आंदोलन समाप्त किएगा। जो माँ साफ तौर पर शासकीय या विक्रेता संघ कोटेदार संघ जो है उचित मूल्य के दुकान के उनके द्वारा यह चेतावनी दी गए कि एक महीना के अंदर यदि हमारे मांगन के निराकरण नहीं किए जाए तो हम पचे सड़क में उतरे का और भूख हड़ताल और आंदोलन करे का बाध्य हो। यह बेहद बड़ी खबर है कि एक शासकीय कर्मचारी जो वह कोरोना काल के दौर में सबसे अहम भूमिका महती भूमिका निभाई आज ओहिन का अपन मांग लेके सरकार के और प्रशासन के दर में जाय का पड़ रहा है। हालात यह है कि अपना का ध्यान हुई कि कोरोना काल के दौर में जो है सबसे बड़ी यदि संकट रहा तो अन्न के संकट रहा, लोगन के लगे खाना गुजारी खेतिर भोजन नहीं रहा अन्न रही, वह दौर में अपन जिंदगी दाव में लगाए के कोटेदारन के द्वारा जो है अन्न के वितरण कीनगा, किंतु ओके बादो आज स्थिति यह है कि कोटेदारन का अपन आवाज जो है सरकार तक पहुंचावे खातिर ज्ञापन और आंदोलन के चेतावनी दीन गई ही। अपना वचन को बताया दी कि इनके द्वारा जो है कुछ प्रमुख मांग कीन गई ही, जो मैं उनके द्वारा साफ तौर कहा गया कि हम कब चंका नियमितीकरण कीन जाए और साथ में जो स्टॉक के गड़बड़ी है स्टॉक में जो भोपाल से चढ़ाए दीन जात है किंतु हमारे पचन के लगे धरातल में नहीं मिले, किंतु हम पचे बेवजह फंसी थे और बेवजह हमका जो है प्रशासन के द्वारा परेशान की जात है। उनके द्वारा यह कहा गया कि हमका पचन का एक निश्चित मानदेय माँ सरकारी कर्मचारी के ओहदा दीन जाए। हालात यह है कि हम पचे अबे बिना कौनो ओहदे के बिना कौनो पद के लगातार काम भर कह रहे हैं। तो यह पूरी जो है मागन का जो है सीधी के कलेक्ट्रेट माँ प्रशासनिक अधिकारी का यह ज्ञापन सौंपागा और साथ माँ आपन पूरी बात उनका बताई गए। तो सुनी विक्रेता संघ के प्रमुख के पूरा बयान सहित सीधी के प्रशासनिक अधिकारी के पूरा बयान। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब, धन्यवाद, प्रणाम। हमारे पंच यहाँ मान ली कि बड़ा जौहर पड़ गया दुकान में तो गल्ला कम आवत है। अब हम पंचे जो है तो ना हम पंचे कहाँ ना घर के आ ना घाट के आए, हम ही पंचों को कहते कि ना कहाँ के कौन तू पंचे कर्मचारी है, हम पंचे कौनों कर्मचारी के पदवी में उतर नहीं है। मान ली न तो समित के कर्मचारी समित का तू समित के है और समित वाले आए तो जिला वाले जब दौड़त हैं तो मान ली हमारे पंचन के यहाँ देखा जाते कि का तुहरे आवा का नहीं आवा। जब बोरिया हम ही पंचे मिला 50 किलो के बोरिया मिला, 15 दिन बाद वह बोरिया 48 किलो के हो जाती। मान ली गणेश भैया दूसरी बात ठीक आ जाती कि हमें पंचे बोरिया कमावती होकर तो देख हमें अधिकारी लोग पर हमें ही पंचे यह बता दे कि हम पंचे जौन कोटेदार हैं तो कौने विभाग के हैं ना, हमें पंचे आज तक यह पता चला कि कौने विभाग के आ है कौने विभाग के ना हो है। आज जब यहाँ आई थे तो कहा थे खाद्य विभाग के आ है, तो अरे खाद्य विभाग के हैं तो हम ही पंचे बना दे खाद्य विभाग के ओकर तनख्वाह दे दे। हमें ही पंचे यह नहीं है कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, अंगूठा लगा देखा होकर मन देते है और मान ली कनिष भैया जेकर मरत हैं और नहीं जो मन गल्ला नहीं दे तो जमहर गाँव में परत है। अब आवत गल्ला है मान ली कि 600 राशन कार्ड बने हैं और गल्ला है आज जुलाई महीना से कहाँ 400 के कहाँ 300 के कहाँ 200 के और तेल मान ले तो जमहरे पर सालन से मशीन में अपने आप ही चढ़ जाते। वह भूतवन जैसे नहीं कहा बताएं कि भूत भीतर घुस गया तो वह मशीन में घुस गया भीतर और फिर जब कौनो को गए यहाँ से देख है तो मशीन का खोलें जल्दी जल्दी। अब हम पंचे ना पढ़े ना लिखे वो कंप्यूटर वाले थोड़ा वहाँ हैं, हम पंचे तो जो इतना कंप्यूटर वाले हो तो कहाँ दिल्ली बम्बई में इंजीनियर बने हुए पर कहीं ना तो ये कंप्यूटर में चढ़ा है कहन भैया कि तेल है नहीं आवा कहीं ना तो का तेल आवा ही देखा तुम्हारे तो लिखा है। अब मान ली हम पंचे का यह सब गुहाल लेके आए हैं कि हमारा पंचे देखी अपना पंचे तनख्वाह दे दे हम ही पंचे कैडर बना दे और जेकर अंगूठा ला गए वो हम पंचे गल्ला देते हैं कम आवत है गल्ला तो मान ली गुहार पड़ी है। जुलाई महीना से हर दुकान में नवंबर में तो यह में है मान ली भैया कि कौनों कोनो दुकान में
जीरो आवा है। ये कमीशन वाली समय पीएनजी भाई जो उनके प्रधानमंत्री वाला ये जो कोरोना वाला रहा तेमा कहीं 70 रुपया एक कुंटल में कोटेदारन का कमीशन दे जो उन मेहनत करे है। तो मान लीजिए अभी तक एक सीधी जिले में 1 रुपये को नहीं मिला और रात दिन मने मान ली कि कोरोना में लड़का मेहरियन का अपन जिंदगी में अब मान ली कनेस भैया वही हमारा अपना जांच कराई कहा थे ना कि भैया बीपी और शुगर वाले अब ही ना अपना हमारा जांच करा दे जो 300 से जो कम हमारा शुगर हो तो जितना कही आज अभी पाए इतने के बाद हम पंचे काम करन 12-12 बजे रात तक गल्ला उतरवाई थे सकन्ने 7 बजे से हम पंचे मान ली कि पूरा काम करी एक बावजूद आज तक हमारे पंचे कहाँ थे आज तक कहाँ थे हमारे पंचे तनख्वाह या 70 रुपया जो कमीशन आवे वो आज तक हमें पंचे नहीं दी और इनके गुहार लेके आए हैं। ये बताइए कोटेदारन पर जो है चोरी के आरोप लगत है वे हाल ही में इतने जो है मामला आ रहा जो कोटेदार जो है गल्ला जो है प्राइवेट बाजारों में बेचा तो यह सब मामला में क्या कहा बहुत सुंदर कहन भैया अपन बहुत सुंदर कहन या जान ले अब कोटेदार जो कहा थे ना रहा ऑनलाइन और इतने कहते रहे ऑफलाइन अब कहाँ वहाँ ऑफलाइन तो है नहीं अपना का गल्ला मिला 10 कुंटल अरे पर्ची अपना कंप्यूटर से निकलवा ले भैया और देख ले कि वह कोटेदार बेचे है उतना गल्ला ऑनलाइन उठा वाला कि नहीं बेचे आए और जब वह उठा वाले का 10 किलो पाइस और 10 किलो दाए है तो वह का बेचे वह जब उन बेचे सोई आवाज का है कनिष भैया कि जौन यहाँ लग जाते ना जौन यहाँ से लग जाते भैया सुन लग जाते तो अपना जानकारी भर रही जो एक बाहरी में मामला भरा हाँ बाहरी मामला में भरा तो हमारे भैया अपनो ये जानी थे कि उमर संधे चोरी संध बिया जौन गामाई में कहावत बनी कि संधे चोरी संध बिया उमर कह रहा जैसे अपना लाई लिहन पैसा आजकल जनता आवत ही कोटेदारन के लगे कहीं ले ले पैसा अब वह कोटेदार चाहे निश्चित है गलती किन्ही से हुई एम हम बिल्कुल दुराय नहीं कहता है तो वो गलती थोड़ का यह कह ज्यादा कह दी कि वह अपन पैसा घर से दे दीस वो मान ली कि बेचिस हो 12 रुपया आज जनता कहती कहता ना गल्ला हम पाइन का करब तो ले 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 10 रुपया तुहन कोटेदार ऐसा ना आवत है आवत साझा चूल्हा वाले अपना भैया अपना का बताई साझा चूल्हा वाले कहाँ जाई साझा चूल्हा वाले का एक कोठे रोटी बनावत है वैठे आवत है साझा चूल्हा के नाम से आंगनबाड़ी में जो छोटका लड़का नहीं आम है उनका खाते रोटी बनावा पूरी बना मोर भैया एक दाना कहाँ उठे नहीं बना मैं समूह के सब आओ मैं फसत को है कोठेदार भैया मान ली बोरा के बोरा ले जाके बेचिस को बनिया के आ जब अधिकारी पकड़ी कहीं को दीस कहीं कोठेदार के यहाँ से अरे कोठेदार वो को तो 10 कुंटल दे दीस भैया 10 कुंटल आवा ओकर आरो लै है तो दे ना कोटेदार आ जब ओकर 10 कुंटल दे दिस बनिया के वो पकड़ को कोटेदार एक अपना पंचन से विनती करी थे कि थोक जरूर है दसों हाथ जो रहन कि बिल्कुल देख ले एक कि यह साझा चूल्हा कहाँ जात है मध्यान कहाँ जात है एक दाना भैया या कोरोना में 40-40 कुंटल 33 कुंटल पानी पर पूरा बनियन के दे दिन और मरा को भैया कोटेदार विद्यालय में आज जान ले कि मध्यान जाते नहीं है कोटेदार का ये कहते कि तू हमका अभिन दे आज जो अभिन कोटेदार ये कहते कि जा आंगनबाड़ी वाले के ले आन ले भाई तो कहते तू आंगनबाड़ी वाले तू को अधिकारी थोड़ा हुआ है तू हम ही अभिन दे ओमा महिला स्व सहायता समूह है भैया एक तो उठे नहीं जाता ही मन से रुआ जाती आ जो ना जाए तो सरपंच साहब को बोला ही सरपंच साहब उनसे वोट लाई हैं और सरपंच साहब कहीं कि चलो तुम्हारा भाई शिकायत करवाए दे थे ऑनलाइन और इतने झूठे ऑनलाइन करवा दें कोटेदार मरेला कितने दिन के दिवस इनका अवधि दिए हैं कि यदि सुनवाई या निराकरण नहीं हो जी जी यह महीना के हम पंचे निवेदन करें हैं कि यह नवंबर में यदि हमारे पंचे जैसा अतिरिक्त है और जो ये हमारे पंचे तनख्वाह के जो 10 दिन जाए और न दिन जाए तो हम पंचे यह सीधी में यही कलेक्ट्रेट भवन के बगल में बीच के भवन चाहे चाहे जहाँ जहाँ परमिशन मिली तो हम पंचे अपने लड़का बच्चन के खीतिर यहाँ बैठक मान ली अब हमारे पंचे 49 साल के जैसे हमारे मान ली 71 के आए 48 साल के हो गए अब भैया कहा सूरत बम्बई जा सके थे अब नहीं जा सके थे सीधी में कलेक्टर साहब एक के बाद अपना पंचे अब हम पंचे ये महीना ना हो तो आगे महीना से अनिश्चितकालीन यहाँ हड़ताल कर कलम बंद हड़ताल कर अनिश्चितकालीन मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी संघ सीधी द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान करने संबंधी मांग की गई है।
इसमें अन्य भी कई मांगे की गई है, जिस पर महोदय के समक्ष इसको रख के इस पर नियमानुसार कार्रवाई कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। इस पर चर्चा किन मांगों पर, क्या क्या मांगे हैं सर इनकी प्रमुख? इनमें प्रमुख मांगे हैं, प्रथम इसमें कलेक्टर दफ्तर वेतन के संबंध में, इसमें 70 पैसे समथिंग, इसमें PDS का जो कमीशन है उसके संबंध में, एवं अन्य भी कई सारी मांगे। नियमितीकरण को लेकर भी मांग की गई, नियमितीकरण की, इसमें नियमितीकरण के संबंध में प्रथम कुछ तो नहीं है, इसमें और डिटेल जो भी होंगी उस पर सब हम सर। ये केरोसिन कई माह से नहीं मिल रहे हैं और बार बार फीडिंग मशीन में चढ़ जाता है, तो आखिर इस पर किसका? इसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसकी स्टॉक पंजी में जब भी जो आता है केरोसिन, तो यदि POS मशीन पर दिखता है वो अलग विषय है, लेकिन अगर यदि भौतिक रूप से प्राप्त होता है तो उसकी स्टॉक पंजी में भी दर्ज किया जा सकता है एवं संबंधित देने वाले से उस पर वेरीफाई भी करवाया जा सकता है। तो यदि ये करवाया जाए तो समस्या का समाधान। सर सवाल यही होता है कि प्रशासन किस लिए बैठा है? प्रशासन यही सब कमियां देखने के लिए बैठा है। तो प्रशासन लगातार एक दो साल से प्रशासन नहीं मिल रही है। निरंतर जिला प्रशासन के माध्यम से जितने भी SDM से इसमें निरंतर निरीक्षण भी करते हैं और इस पर प्रतिवेदन भी देते हैं और इस पर कार्रवाई भी करते हैं। थैंक यू सर।